मैं कई बार सोचता हूं कि पश्चिम के देश कैसे ह्यूमन राइट की बात कर सकते हैं। जो कोई भी हमें भाषण देता आता है उसको एक बार सेल्युलर जेल की मुलाकात करा देनी चाहिए। अंडमान की सेल्युलर जेल और वहां की दी गई मानवीय यातनाएं देखकर मैं कई बार सोचता हूं कि पश्चिम के देश कैसे ह्यूमन राइट की बात कर सकते हैं। और किनको सिखा रहे हो भाई? जो कोई भी हमें भाषण देता आता है उसको एक बार सेल्युलर जेल की मुलाकात करा देनी चाहिए। अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीरों को एक ही जगह पर रखा गया, और अगर सेल्युलर जेल के अंदर जो क्रांतिवीरों की सूची है उसको भी आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। वो जेल में आज भी एक महिला कर्मी है, उसने हर जेल से आए हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया, प्रदेश लिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्शा बनाया। एक भी प्रदेश बाकी नहीं है। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्युलर जेल के अंदर गया है। सेल्युलर जेल में वो ही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुकसान होता था, कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं भेजते थे, और जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन वहां देते थे। तो इतना बड़ा प्रयास करने वाले व्यक्ति हर प्रदेश से आए, वो ही बताता है कि सशस्त्र क्रांति आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं था, व्यक्ति का व्यक्तिगत पराक्रम नहीं था, एक सोची समझा आंदोलन था जो देश को आजाद करने का बहुत अच्छा प्रयास था।